हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज सेकंड में है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं तीन इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स और एक इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक। स्पेशल टॉपिक ये जो है आधार प्लस एमजी नरेगा, ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भारत की इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो हैदराबाद में है तो इनके साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की। एमजी नरेगा में जब आधार को लिंक नहीं किया गया था उस टाइम का सिनारियो क्या था, पोस्ट लिंकेज के बाद सिनारियो क्या है, तो ये सारे रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स सामने आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, तो ये एक स्पेशल टॉपिक है। इससे पहले हम न्यूज़ आइटम्स के बारे में बात करेंगे। जो जीएसटी से शुरुआत होती है इसकी, बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। फिर मद्रास हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था आरबीआई के खिलाफ, तो इस केस में आरबीआई की विक्ट्री हुई है, ये क्या है इसको देखेंगे। थर्ड आइटम इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाला है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर है मेरा एफबी पेज, यू कैन फॉलो मी। कुछ 16,000 जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे एफपी पेज पर फॉलो करते हैं, वो पीडीएफ जो हैं लेक्चर्स की वो भी इसमें डाउनलोड करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज, ये सारी चीज़ें बेसिकली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वाया मैसेजेस। यू कैन डू द सेम। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जीएसटी कलेक्शन जंप्स अप, एक बहुत अच्छा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 चल रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग आप इसको फाइनेंशियल ईयर 20 कह सकते हैं। हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर जो है इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और ये ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर 31st, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई और 2020 की जो 31st मार्च होगी उसमें ये फाइनेंशियल ईयर 20 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट महीना जो है इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल 2019, इसका जीएसटी कलेक्शन है 1,14,000 करोड़ रुपीज़। दिस इज़ बिग अमाउंट सो फार, ये हाईएस्ट अमाउंट है जुलाई 2017, टू बी मोर प्रिसाइज 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया और तब से लेकर आज तक का ये सबसे बड़ा कलेक्शन है। जनरली अप्रैल जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च में ख़त्म होता है, तो नॉर्मली बुक्स जो हैं वो अपडेट की जाती हैं, सारे जो बिजनेसेस हैं वो अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं, अप्रैल से एक नए ईयर की शुरुआत होती है, तो जनरली हमें एक हायर जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज़ें अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि अब जीएसटी एक हायर प्लेन में इंट्रोड्यूस हो चुका है, और बात भी सही है। मार्च का कलेक्शन देखिए, 1,07,000 करोड़ रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड सो फार, इट वॉज द हाइएस्ट एवर कलेक्शन। लेकिन अप्रैल ने तो मार्च का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनफैक्ट पास्ट अप्रैल के बारे में बात करें, पास्ट इन द सेंस 2018 के अप्रैल के बारे में बात करें, तो ये जो 2019 का कलेक्शन है दैट इज 10% हायर देन 2018's अप्रैल। और ओवरऑल अगर हम देखें मंथली जो एवरेज है 2018-19 की, तो उससे 16% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2019 में। जीएसटी कलेक्शन को मेंटेन रखना, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल इंक्रीज करते जाना, ये ऑफकोर्स एक अपहिल टास्क है, इट्स ए चैलेंजिंग जॉब ऑफकोर्स। और गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन ये है कि FY20 में जो टोटल कलेक्शन होगा जीएसटी का वो होगा 7,61,000 करोड़ रुपीज़, विच इज़ बिट हाई इफ वी कंपेयर दिस फिगर विथ लास्ट ईयर्स कलेक्शन। फाइनेंशियल ईयर 19 में जो कलेक्शन था वो था 5.8 लाख करोड़ रुपीज़, रिवाइज्ड एस्टिमेट था 6.43 लाख करोड़ रुपीज़, लेकिन उससे थोड़ा कम हुआ, थोड़ा तो नहीं लेकिन ज़्यादा कम हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए जितना कम हुआ था बजट एस्टिमेशन से। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट को कुछ 40,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो कॉम्पनसेशन सेस में से मिले, तो इसमें से हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख सकता है, बाकी का जो है 20,000 करोड़ रुपीज़ वो उनको अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है।
ड्यूरिंग 2018-19 एवरेज जीएसटी कलेक्शन जो है पर मंथ का वो था 98,114 करोड़ रुपीज़, उससे पहले 89,884 करोड़ रुपीज़ ये एवरेज थी पर मंथ की, तो इससे तो ज़्यादा धीरे धीरे इससे ये ज़्यादा हैं और होपफुली जो ये ईयर चल रहा है तो इसमें इससे ज़्यादा होगी ऐसा गवर्नमेंट का मानना है एंड लेट्स होप के इतना हो भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स अबाउट दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनको हम NBFCs कहते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट आया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में है। ये पूरा केस क्या है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। RBI ने जो NOF होते हैं, NOF का मतलब यहाँ पर है नेट ओन्ड फंड, जो पैसे आपको रखने पड़ते हैं एक NBFC को जो पैसे रखने होते हैं, तो NBFCs के लिए मार्च 2015 में RBI ने यह बताया था कि आपके पास NOF जो है 1 अप्रैल 2016 को आपके पास 1 करोड़ रुपीस NOF में होने चाहिए और 2017 में आपके पास 1 अप्रैल 2017 में आपके पास 2 करोड़ रुपीस जो हैं वो NOF के फॉर्म में होने चाहिए। बहुत सारी NBFCs जो थी उन्होंने ये मेंटेन नहीं किए और इसी कारण उनको शो कॉज नोटिस, शो कॉज यानी कि आप रीज़न बताइए कि क्यों आपके पास ये जो अमाउंट आपको RBI ने बताई है वो आपने मेंटेन क्यों नहीं की है, तो इसकी एक नोटिस भेजी गई RBI के द्वारा और इसमें RBI को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो फिर 1500 जितनी NBFCs जो थी उनके लाइसेंस बेसिकली RBI ने कैंसिल कर दिए, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मद्रास हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने क्या किया था, ये जो NBFCs हैं उन्होंने RBI का ये जो कैंसिलेशन था तो उसको उसके खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में और इस सिंगल जज बेंच ने ये ऑर्डर दिया कि ये COR जो कैंसिल किए गए हैं इनको रिस्टोर किया जाना चाहिए। फिर RBI इससे हैप्पी नहीं थी तो RBI ने इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया और फाइनली जो 2 जजेस की एक बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की उन्होंने RBI के पक्ष में अपना डिसीजन जो है वो सुनाया है। बेंच ने यह भी बताया कि 30 दिनों का वक्त है जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके माध्यम से अगर NBFCs हैप्पी नहीं है तो वो उस माध्यम से जा सकते हैं और जो जजेस हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले जो वर्डिक्ट दिया गया था बाय अ सिंगल जज बेंच तो ये ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी हैं और इस वजह से इसमें इंटरफियर करना आवश्यक हो गया है। तो RBI के लिए ये जो वर्डिक्ट है वो उसके पक्ष में है, सो दैट्स अ विक्ट्री फॉर RBI। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, रीड बिटवीन द लाइंस करें कि NBFCs जो हैं उनको 2 करोड़ रुपये जो हैं वो NOF में रखने होते हैं, अगर वो नहीं रखते हैं तो फिर RBI उनके खिलाफ एक्शंस ले सकती हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड आइटम ऑफ द डे, इट इज़ अबाउट ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले जब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बैंक के बारे में बात की थी तब मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर भी प्रोवाइड किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हैं इन्होंने इन प्रिंसिपल एक नोड यानी कि अप्रूवल दे दिया है, 4 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं और 30,000 करोड़ रुपीस का एक रैपिड रेल कॉरिडोर है जो दिल्ली और मेरठ के बीच में होगा, तो इसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे मल्टीलेटरल ये जो एजेंसी है वो दूसरे भी ऐसे बड़े अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली हैं, जो भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट है, इंदौर का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स ADB फंड करने वाली हैं। ऐसा ADB के जो डायरेक्टर हैं साउथ एशिया के हुन किम उन्होंने ये चीज़ बताई है। इसके अलावा चेन्नई और बेंगलुरु का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो भी ADB फंड करने वाली हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गारंटर के तौर पर काम करेगी, तो फिर ADB जो हैं वो निश्चिंत हैं इस लोन को देने के लिए। ADB ने इससे पहले जयपुर मेट्रो और मुंबई मेट्रो को फंड किया है। ये ADB के साथ जुड़ी हुई जो खबर है वो आपको शायद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन मैं बता दूँ आपको बहुत सारे MCQs जो होते हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम्स में कम से कम एक MCQ इस प्रकार का पूछा जाता है कि यहाँ पर जो जयपुर या फिर मुंबई मेट्रो जो हैं उसके एक्सपांशन के लिए
और जो जयपुर मुंबई मेट्रो के एक्सपांशन के लिए और जयपुर मेट्रो के बिल्डअप के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ने फंड दिया था? तो आपको एडीबी, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, इस प्रकार के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको, अगर आप श्योर नहीं हैं इस प्रकार के प्रश्न में, तो आपको जो कहते हैं तुक्का लगाना या फिर एक गैस करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप श्योर हैं तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, जनरली सारी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम अब तो होती ही है, तो ये जो खबरें हैं उसको आप इस प्रकार से देखने की कोशिश करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक एक मार्क जो है दैट मैटर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक मार्क के लिए, पॉइंट मार्क के लिए जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाते, तो उनसे पूछिए एक मार्क की कीमत क्या होती है। अब बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, आधार और एमजी नरेगा। इन दोनों के पैचअप से, इन दोनों के लिंकअप से क्या बेनिफिट्स हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक स्टडी जो है वो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी और हमारे यहाँ की एक बिजनेस स्कूल ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की है। बारगर नाम की एक जगह है ओडिशा में, और बारगर काफ़ी फेमस जगह है। लेट मी टेल यू, अगर आप ओडिशा से हैं तो आपको पता ही होगा कि बारगर जो है, इसको ओडिशा का राइस बाउल भी कहा जाता है। नाव ये जो बार्गर हैं, 2017, नवंबर 2017 टू बी प्रिसाइस, यहाँ पर बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। उसके पीछे रीज़न ये है कि किसानों ने पैसे बोरो किए थे, उन्होंने कुछ कर्ज लिया था और इन पैसों का उपयोग उन्होंने अपनी खेती बाड़ी के लिए किया, उन्होंने क्रॉप्स को उगाने के लिए ऑफ कोर्स ये पैसे लिए, और फिर बाद में ड्राउट हुआ, राइट, बारिश कम हुई, इसी के साथ पेस्ट अटैक हुआ, जो कीट हैं उसका अटैक हुआ इन क्रॉप्स के ऊपर, तो क्रॉप फेलियर हो गया। और फिर किसान जो हैं वो ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि वो लोन वापस चुका पाएं, और फिर फाइनली उनके पास कोई रास्ता नहीं था, एंड बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। हमारे देश में एमजी नरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखिए, इनके शब्दों के ऊपर अगर फोकस करें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि ग्रामीण विस्तार में आपको जॉब की गारंटी प्रोवाइड करने वाली ये एक स्कीम या फिर एक एक्ट है। इसको काउंटर साइक्लिकल कहा जाता है। काउंटर साइक्लिकल का मतलब ये होता है कि जब टैक्स के अगर कंटेक्स्ट में बात करें, तो जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बूम स्टेज में होती हैं, तब टैक्स जो हैं उसको बढ़ाया जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे आ जाए, और जब स्ट्रेस जैसी सिचुएशन होती हैं तब इन्हीं पैसों का उपयोग जो है सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए किया जाता है। तो एमजी नरेगा एक ऐसी स्कीम है कि जो जब डिस्ट्रेस होता है ग्रामीण विस्तार में, तब वो एक सहारे के तौर पर, एक बेस के तौर पर जो अनएम्प्लॉयड हैं उसके साथ खड़ी रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है उसके पीछे कुछ रीज़न है। एक रीज़न तो है करप्शन। बहुत ज़्यादा जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पर आज भी हमें करप्शन देखने को मिलता है। और एक चीज़ है रेड टेप। रेड टेप का मतलब है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो, तो लेट मी टेल यू, ये गवर्नमेंट है, राइट। चलिए एक पिरामिड यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीन लेवल हम रख देते हैं, एक टॉप लेवल, एक मीडियम लेवल, और एक है बॉटम लेवल। मीडियम, टॉप एंड बॉटम, राइट। अब ये जो पिरामिड है वो किस प्रकार से काम करता है, मान लीजिए कि ये एक रूरल एरिया के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो फिर ये रिपोर्ट होगी तालुका लेवल पर, फिर ये रिपोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर इसकी रिपोर्ट होगी रीजनल लेवल पर, फिर इसकी रिपोर्टिंग होगी स्टेट लेवल पर, और फिर फाइनली इसकी रिपोर्टिंग होगी सेंट्रल लेवल पर। फिर यहाँ से कोई डिसीजन जो है, यहाँ से चीज़ों को यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे पूरी साइकिल, फिर यहाँ पर डिसीजन लिया गया या फिर यहाँ पर डिसीजन लिया गया, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पहुँच जाएगा, राइट। ये स्टेप बाय स्टेप फिर से यहाँ पर आएगा, और तब तक बहुत टाइम भी लग जाता है। तो इसको कहते हैं रेड टेप।
राइट। कई बार मोदी साहब ने बताया कि रेड टेप नहीं, हम रेड कारपेट आपके लिए रखेंगे। तो एक जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हैं तब ये शब्द का उपयोग करते हैं, रेड टेप एंड रेड कारपेट। तो रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से वेजेस जो हैं वो डिले होते हैं, या फिर कई बार तो वेजेस मिलते भी नहीं हैं, या फिर पर्याप्त वेजेस जो हैं वो नहीं मिलते हैं। एम जी नरेगा में ये बात है कि अगर कोई ग्रामीण विस्तार में मजदूरी करने के लिए तैयार हैं तो उसको, अगर उनके पास जॉब नहीं है तो उनको गारंटीड 365 डेज में से 100 दिन जो हैं वो गवर्नमेंट उनको काम प्रोवाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट 100 दिन का काम प्रोवाइड नहीं कर पाती, अगर 50 डेज का काम प्रोवाइड कर पाती है, तो बाकी का जो 50 डेज का जो भी मिनिमम वेज है वो उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर गारंटी शब्द का जी जो है इसका मतलब है गारंटी। तो दिस इज हाउ एम जी नरेगा वर्क्स। मैंने आपको एम जी नरेगा के साथ भी जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें अब समझा दी हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है मिनिमम वेज, राइट। अलग अलग स्टेट्स में शायद अलग मिनिमम वेज हो सकते हैं, तो जो भी मिनिमम वेज है वो आपको गारंटीड इतना तो मिलता ही है। लेकिन एम जी नरेगा जो है तो नेशनल लेवल का मिनिमम वेज जो है वो लोगों को, ये जो मजदूर हैं वो उनको मिलता है। जो सिंपल एक लेबर वर्क है वो आपको करना है, आपको ज़्यादा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड होने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू आर अनस्किल्ड एज वेल देन एज वेल यू कैन वर्क अंडर एम जी नरेगा। और इसकी डिज़ाइन इस प्रकार से की गई है। अभी मैं कुछ दिनों पहले ग्रामीण विस्तार में गया था, तो वहाँ पर मैंने खेत देखे। तो खेत जो हैं वो बस एकदम, यू नो, यू कैन नॉट सी एनीथिंग ओवर देयर। बहुत कम खेतों में कुछ उगाया गया था। तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से शायद रूरल एरिया में भी रहते होंगे, तो यूड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ये एक बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है कि जब ये समर टाइम जब होता है, राइट, समर के बाद होता है हमारे देश में मॉनसून, मॉनसून में बारिश होती है, तो बारिश टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो हैं वो आप इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो समर टाइम में ये जो 15-20 दिन महीने का जो गैप होता है जब खेती बाड़ी में कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम पर एम जी नरेगा जो है वो बहुत काम आ सकता है। तो इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ों के काम चलते रहते हैं। अब डिस्ट्रेस्ड फार्मर जो हैं, अगर किसी किसान ने कर्ज लिया है और उसको पैसे की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, तो उसको एक इमीडिएट सपोर्ट की आवश्यकता है। यहाँ पर डिले और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये सिचुएशन, ये जो सोसाइट की सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलती हैं। फिर डिस्ट्रेस अगर हुआ, या फिर ये जो कीट ने अटैक कर दिया है, या फिर ड्राउट की सिचुएशन अगर हो गई है, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें, डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद उसके आंसर्स या फिर सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे भी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है ना। इससे फिर ये जो इमीडिएट हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, बहुत डिले हो जाता है। तो ये जो एक एम्प्लॉयमेंट की अगर बात है, पेमेंट अगर डिले हो गया तो सिचुएशन कैसी हो गई कि आपको जीरो वेजेस में आपसे काम करवाया जा रहा है, आपको जो पैसे हैं वो टाइम पर नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी जो काउंटर साइक्लिसिटी है, इसका जो गोल होता है वो डिफीट हो जाता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन अगर है तो क्या है, यही चीज़ इस स्टडी में हमें देखने को मिलती है। उन्होंने क्या किया इस स्टडी में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मिलकर रियल टाइम डिस्ट्रेस ट्रैकिंग मैकेनिज्म को डेवलप किया, या फिर इसमें यही बता रहे हैं इस स्टडी में कि एक रियल टाइम ये डिस्ट्रेस ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमारे देश में होना चाहिए। अगर ड्राउट की सिचुएशन है, अगर पेस्ट अटैक है, तो उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, इसके ऊपर जो सॉल्यूशंस हैं वो जल्द से जल्द लिए जाएं। और इसके लिए इस प्रकार की रियल टाइम सिस्टम, अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर कोई डैशबोर्ड है, तो इससे हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। इन्होंने क्या किया अपनी स्टडी में, उन्होंने आईएमडी का जो एक ड्राउट का जो सिनारियो है उसको स्टडी किया, 2012 से 2017 का जो वेदर कंडीशंस हैं उन्होंने स्टडी की, और उनकी जो स्टडी है उन्होंने उसमें उन्होंने जो डिस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो हैं, जो हेल्प मांग रहे थे, उनको भी उन्होंने यहाँ पर स्टडी किया। 2014 और 2015 में एम जी नरेगा को आधार के साथ लिंकअप करने की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर इस स्टडी में उन्होंने प्री लिंकअप और पोस्ट लिंकअप ये दोनों पीरियड्स को स्टडी किए, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। इनकी एनालिसिस में हमें ये देखने को मिला कि आधार के लिंकअप से पहले एम जी नरेगा में कुछ 12,500 दिन
का जो काम है ये नॉर्मल डेज में, राइट, नॉर्मल टाइम्स में, स्ट्रेस के टाइम्स में नहीं, नॉर्मल टाइम्स में लोग इतना वर्क जो है वो पैदा हुआ एम जी नरेगा के तहत। ड्राउट की सीजन में 11,700 डेज का काम पैदा हुआ, या फिर इतना काम लोगों ने किया। तो नॉर्मल डेज में एम जी नरेगा, जब उन एम जी नरेगा के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, उस टाइम पर ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ड्राउट की सिचुएशन में जब एम जी नरेगा की आवश्यकता है उस टाइम पर कम लोग काम कर रहे हैं। तो इससे इंडिकेशन ये मिलता है, इंडिकेशन ये है कि डिले की वजह से लोगों के अंदर ये एक बात वो लोग समझ गए थे जो ग्रामीण विस्तार के लोग हैं कि भाई डिले पेमेंट हो रहा है, टाइम पर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, करप्शन है, तो ये सारी चीज़ों से फिर एम जी नरेगा जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, या फिर उनकी मदद के लिए इतना कोई कारगर उपाय नहीं है। उन्होंने तो जो नॉर्मल डेज में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए वो एम जी नरेगा में काम करते थे। अब लिंकअप के बाद क्या हुआ, लिंकअप के बाद इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि ऑफकोर्स आधार आ गया तो फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिजिटल हो गई, तो डिलेड जो पेमेंट मिलता था ये सारी चीज़ें बंद हो गई। एफिशिएंसी जो है एम जी नरेगा की ये काफ़ी बढ़ गई। इसी के साथ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करें, जो जॉब की डिमांड एंड सप्लाई है तो इसमें भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। प्री आधार टाइम पर जो जॉब्स की डिमांड थी वो ड्राउट स्ट्रिकन एरियाज़ में 8% कम थी, अनअफेक्टेड एरिया के कंपैरिजन में ड्राउट स्ट्रिकन एरिया में 8% डिमांड जॉब्स की कम थी, लेकिन पोस्ट आधार के बाद यही आंकड़ा जो है ये 17% हायर हो गया। इसका मतलब ये है, क्लियर है कि आधार के लिंकअप से एम जी नरेगा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट भी बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको उपयोग करते थे, ना कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और जो नंबर ऑफ़ डेज वर्कड हैं उसमें भी हमें एक उछाल देखने को मिला, नंबर ऑफ़ डेज वर्क में 11% राइज देखने को मिला, और जो पेमेंट है उसमें भी 13% राइज, जो नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग फॉर 100 डेज, कंप्लीट 100 डेज काम करने वाले लोग में 13% हमें राइज देखने को मिला। तो आंसर साफ है, वी नीड ए रियल टाइम प्रोटोटाइप। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रेस के मुताबिक अलग अलग कलर दिया जा सकता है, और एक डैशबोर्ड सेटअप किया जा सकता है जिससे हम रेड टेपिज्म को बाईपास करके डिसीजंस को क्विकली ले सकें। और इसी के साथ दूसरी जो स्कीम्स होती हैं, अकाउंट बैलेंस कितना है, फिर सब्सिडी का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आधार के डेटा के साथ, एम जी नरेगा के साथ, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स को हम कंबाइन करके एक रियल टाइम एक सिनारियो, या फिर एक रियल टाइम यू कैन से एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना स्ट्रेस है किस डिस्ट्रिक्ट में, और कितना काम हुआ है, क्या परफॉर्मेंस है, और ये सारी चीज़ें, यू नो। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट इट, राइट। रिसर्च बेस्ड इनपुट्स जब पॉलिसी में ऐड किए जाते हैं तब ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेफिनेटली हमें एक चेंज देखने को मिलता है, एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी नई चीज़ें इस स्पेशल टॉपिक में जानने को मिली होगी। डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। लेक्चर की पीडीएफ आपको इन चार सोर्सेज से मिल जाएगी। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। I'll see you tomorrow early morning. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.